अस्सलाम व्यूअर्स, आज हम वुमेन्स एरिना पे देख रहे हैं कि बर्गर किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। आज का जो बच्चों का मैं लंच तैयार कर रही हूँ वो बर्गर से रिलेटेड है। तो ये वो चिकन फ्राइज़ हैं और इसको मैंने हल्की आंच पर इसको कर रही हूँ गरम, पका रही हूँ और ये मैं तवे पर भी कर रही हूँ इसको। अब मैं इसको छोटा छोटा से कटिंग कर लूँगी, इसको छोटा छोटा सा इसको मैंने कटिंग किया। और क्योंकि ये बर्गर में रखना है और फीका ना पड़ जाए इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा साल्ट स्प्रिंकल कर दूंगी, ठीक है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से बन जाने वाले हैं। अब दूसरी तरफ मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने बर्गर्स बन मैंने इनको गरम कर लिया है तवे पे ही हल्का सा ऑयल डाल के। और अब मैं इस पे लगा दूँगी केचप, ये इस पर लग रही है केचप, ये हमारी है चटनी मैंने बनाई अभी, शायद आपको नहीं सिखाई लेकिन ये भी मैं आपको सिखाऊंगी कि ये मैं किस तरीके से चटनी बनाती हूँ। और चटनी बनाकर इसमें है पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च, ये बना के मैं फिर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ और फिर बवक्ते ज़रूरत इसको इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत लजीज बनता है। मैं फ़िलहाल आपको एक बर्गर ही बनाना सिखा देती हूँ। एक को हम उठा देते हैं। तो नीचे हमने केचप लगाई है, ऊपर हमने ये वाली चटनी पुदीने की लगा दी है और इसके ऊपर हम ये चिली फ्लेक सॉरी ये जेलोपिनो हम थोड़ा सा निकालेंगे और वो लगाएंगे। ये देखिए इस पे थोड़ा सा हम जेलोपिनो टेढ़ा टेढ़ा करके रखेंगे ताकि हर बाइट में थोड़ा थोड़ा सा आ जाए, ठीक है। इसके बाद हम अब इसमें ये रखेंगे चिकन, बिल्कुल सिंपल और घरेलू अंदाज में, सादा वे में जो मैं बना रही हूँ वो आपको मैं दिखा रही हूँ। और ये अब इसमें मैंने वही कैप्सिकम को थोड़ा सा सोते किया हुआ है, इसमें थोड़ा सा साल्ट डाल के, थोड़ा विनीगर डाल के इसको सिर्फ 1-2 मिनट हल्का सा मैंने इसको तवे पे कर लिया। और ये कैप्सिकम डाल रही हूँ, ठीक हो गया। और ये इसमें मैं टमाटो थोड़ा सा रख देती हूँ। और ये है इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे क्यूकम्बर,
एक, और ये देखें, ये हमारा बर्गर रेडी हो गया। ज़बरदस्त किस्म का बर्गर है, बहुत आसानी से बना सारा कुछ। और इसी तरीके से अब हम इसको चाहें तो दरमियान से हाफ करके लंच में पैक कर देंगे। अगर आपको मेरी रेमेडीज़ रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें। थैंक यू सो मच। और बहुत आसानी के साथ हल्के अंदाज़ में मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने कुकिंग करनी है या कुछ भी। औरतों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है, हर लिहाज से हर तरह का इसमें आपको बताया जाता है। थैंक यू सो मच।